राष्ट्र में हूँ, अगर वो दे सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र में एक लफड़ा और भी तो है, कितने दलितों को आप अपने बराबर बैठा करके भोजन करने का अधिकार दोगे, कितने दलितों को आप बराबरी का सम्मान दोगे, अपनी जाति के अपनी और जो अपने मजहब में और जातियाँ उनसे लड़ाइयाँ करेंगे, उसके बाद आप अपने घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ करेंगे, अपने भाई बंधु से लड़ाइयाँ करेंगे, अपने दोस्तों से लड़ाई करेंगे। बड़ी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती कि जिन चीज़ों पर मीडिया को बात करनी चाहिए उन पर हम जैसे यूट्यूबर्स को ही, यंग यूट्यूबर्स को, पुराने यूट्यूबर्स को आकर के इस उम्र में मुझे यूट्यूब के वीडियो डालने पड़ रहे हैं। देखिए नेहरू जी तो रियल कल्प्रेट हैं इस टाइम पे। ये जो इधर आप उधर देखो कूड़ा हो रहा है वो भी मुझे लग रहा है नेहरू जी ने फैलाया है। मुझे लग रहा है कि ये जो सड़क पे पार्किंग हुई हुई है यहाँ पे वो भी नेहरू जी की वजह से ऐसी है। हाँ दोस्तों नमस्कार, आजाद हिंद आवाज़ की तरफ से मैं मनोज कुमार शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पौरुष शर्मा, जिनको बारे में आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, समझते भी होंगे क्योंकि इनके भी वीडियोस काफ़ी डलते रहते हैं। तो हमने शुरुआत कर रहे हैं आज एमिडमेंट बिल के ऊपर, दिल्ली से ही मैं बोल रहा हूँ और पूछना चाहूँगा एमिडमेंट बिल पर अभी ताज़ा रिपोर्ट क्या है पौरुष, और तुम्हारे खुद के क्या विचार हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर इस टाइम पे लोकसभा में एक डिबेट चल रही है और अमित शाह अपने तर्क रख रहे हैं क्योंकि और चीज़ों के ऊपर तो वो एग्रेसिवली काम नहीं कर सकते, महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए तो वो एग्रेसिवली काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपने एजेंडास को फैलाने के लिए एग्रेसिवली लगे पड़े हैं और उल्टे सीधे उलझलूल अपने कुछ तर्क जिन्हें कहते हैं कुतर्क जिसे कह सकते हैं हम, वो पेश कर रहे हैं लोकसभा में। ये बता रहे हैं कि इसमें किसी भी माइनॉरिटीज़ को हम हिट नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे। अभी जब मैंने रिसेंटली एक बयान देखा है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी माइनॉरिटीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, जो कि एक सबसे बड़ा झूठ है मुझे लगता है यहाँ पर। इस बारे में आज सुबह भी हमने बीच में जाकर के बात की थी, जैसा कि मैंने बोला था कि हिंद बॉयस के लिए रिपोर्टिंग की थी तो मुझे वहाँ लगा लोगों में इतना गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नागरिकता उनसे छीनी जा रही हो। आप इसे सहमत हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं देश में, ये देश को किस हद तक ले जा रही हैं? रोजगार पर बात नहीं हो रही, महिला सुरक्षा पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है ऐसी बेतुकी बात पर जिसका कोई लेना देना नहीं है देश के विकास और डेवलपमेंट से, जिसका नारा देकर के मोदी जी आए थे। एग्जैक्टली मुझे ऐसे सिचुएशन में याद आता है कि पाकिस्तान कैसे फॉर्म हुआ था, या फिर इसराइल की भी याद आती है एक बार को, कि जहाँ पर जो एक स्पेसिफिक धर्म के लिए देश बने हुए हैं, एक स्पेसिफिक धर्म का देश बनने से जो इस टाइम अमित शाह जो कर रहे हैं, अगर मैं लिटरल सेंस में उसको बोलूँ तो वो हिंदुओं का पाकिस्तान बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और पाकिस्तान की आप इकॉनमी देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए इस टाइम पे क्या है, वो सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि क्या हालत है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो अमित शाह कर रहे हैं वो एक हिंदुओं का पाकिस्तान बना रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही यहाँ पर रहता, लेकिन क्योंकि किसी भी असली मुद्दे पर कभी बात नहीं करी जाती। मुझे एक चीज़ पूछनी है, या फिर मैं जो अंधभक्त हैं आपके भी चैनल देखते होंगे मेरा भी बहुत सारे चैनल देखते हैं, वही ये बात निकल के बता दें कि भाई हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है हिंदू राष्ट्र का बहुत बड़ा स्टेप है, क्या इसके बाद हम इस चीज़ को पक्का मान ले, क्या अमित शाह गारंटी पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं ये चीज़ कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कोई रेप नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद GDP ग्रोथ रेट जो है वो 10 को क्रॉस कर जाएगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो भुखमरी है, जो मिड डे मील्स में चूहे मरे हुए आते हैं बच्चों के, वो आने बंद हो जाएंगे, क्या ये सब चीज़ें अमित शाह स्टैम्प पेपर पे लिख के देख कर कह सकते हैं? तो आज मैं भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए हामी भर दूंगा, कहूंगा कि हाँ मैं इसके हित में हूँ। अगर वो दे सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र में एक लफड़ा और भी तो है, कितने दलितों को आप अपने बराबर बैठा करके भोजन करने का अधिकार दोगे, कितने दलितों को आप बराबरी का सम्मान दोगे, कितने लोगों को आप इस देश में एज ए हिंदू पहचान दोगे? क्या केवल हिंदू केवल दो या तीन धर्मों का कब्जा रहेगा या सारे लोगों का रहेगा, इस बारे में अपनी राय रखें। यही बात है, ये सोचने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब वाली बात आती है यहाँ पे कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उसके बाद ये जो सर लड़ाई की जो वो होती है ना एक मेंटालिटी वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के थ्रू ये बात बोली है कि आप पहले लड़ाई करेंगे किसी और कौम के लोगों से, उसके बाद अपनी जाति के अपनी और जो अपने मजहब में और जातियाँ उनसे लड़ाइयाँ करेंगे, उसके बाद आप अपने घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ करेंगे, अपने भाई बंधु से लड़ाइयाँ करेंगे, अपने दोस्तों से लड़ाई करेंगे।
ये लड़ाई की जो साइकोलॉजी है कभी ख़त्म होती नहीं है, इंसान के जाने के साथ ही जाती है साथ में। तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यहाँ पर जातीय लड़ाइयाँ हुआ करेंगी, अभी जो है धर्म के बेसिस पे दंगे होते हैं, फिर जाति के बेसिस पे दंगे होने लग जाएंगे, ये बदलाव आएगा हमारे देश में। नहीं, सबसे बड़ी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती कि जिन चीज़ों पर मीडिया को बात करनी चाहिए उन पर हम जैसे यूट्यूबर्स को ही, यंग यूट्यूबर्स को, पुराने यूट्यूबर्स को आकर के इस उम्र में मुझे यूट्यूब के वीडियो डालने पड़ रहे हैं। हालांकि मेरा काम नहीं है, अच्छे रिपोर्टरों का काम है, जिसमें कुछ अच्छे रिपोर्टर काम कर भी रहे हैं, अच्छा रवीश कुमार जी हैं, चंद नाम है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हैं, लेकिन कोई भी जितने बड़े चैनल समूह हैं कोई भी उन चीज़ों को नहीं उठा रहा, लेकिन NRC के मुद्दे को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि कितना बड़ा बिल ला करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देश में पहली बार कोई देशभक्त पैदा हुए हैं, इनके पार्टी जीतने से पहले शायद इस देश में देशभक्त थे ही नहीं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे पुरुष? राष्ट्रभक्ति और देशभक्त, अच्छी आपने दो शब्द छेड़े हैं। राष्ट्रभक्ति और देशभक्त से मुझे एक अभी दो दिन पहले खबर छपी थी जहां पर ये पता चल रहा है कि जो डिफेंस का बजट है वो कम कर दिया जा रहा है, जो हमारे देश के सैनिक हैं वो नाखुश हैं सरकार से। तो ये कैसी राष्ट्रभक्ति है, कैसी देशभक्ति है जो हमारे देश के सैनिकों को खुश नहीं रख पा रही? वो लोग जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं जब वही खुश नहीं है तो आप किस, ये हर चीज़ सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड चाणक्य बन जाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड देशभक्त बन जाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। वो स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मोदी जी अच्छे दिन लेकर आए हैं, इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर दिया है। अगर ये इकोनॉमी अच्छी है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सड़क पे जाम लग रहा है इकोनॉमी अच्छी है और इसको इकोनॉमी अच्छा होना कहते हैं, तो फिर कांग्रेस के टाइम में तो ये कहा, मतलब ये तो बम्पर इकोनॉमी थी, फिर हमने कांग्रेस को क्यों हटाया है सरकार में से, ये बात हमारे को निकल के सोचनी पड़ेगी आज की डेट में। और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ा ढकोसला है पिछले इलेक्शन से, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी परिवार, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, से हम घूम फिर के आ गए फिर एक बार मोदी सरकार, जहाँ पर ना नारी की बात हो रही थी, किसी भी चीज़ की बात नहीं थी, सिर्फ देशभक्ति की बात करी जा रही थी, और अगले इलेक्शन में वो भी नहीं होगी। लेकिन अभी साक्षी को, एक साक्षी हैं, साक्षी साध्वी, उन्होंने एक बयान दिया नेहरू जी के चरित्र के बारे में। अब समझ में नहीं आता कि नेहरू जी ने इतना सब कुछ बना के रखा यहाँ पर और वो सब बेच करके आपको देश की इकोनॉमी ठीक करनी पड़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेहरू जी तो रियल कल्प्रेट हैं इस टाइम पे। ये जो इधर आप उधर देखो कूड़ा हो रहा है वो भी मुझे लग रहा है नेहरू जी ने फैलाया है। मुझे लग रहा है कि ये जो सड़क पर पार्किंग हुई हुई है यहाँ पर वो भी नेहरू जी की वजह से ऐसी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो स्मॉग है आजकल दिल्ली में, इतना पोल्यूशन हो गया, आप आए होंगे तो जी, मुझे लग रहा है वो भी नेहरू जी की वजह से, सारे जो खराब काम है नेहरू जी की वजह से हैं। तो भाई कुछ कोई अच्छी चीज़ मोदी जी ने जो करी है वो तो गिना दो हमारे को, तो कम से कम गिना हमें नेहरू जी के तो हमने आपने गिना दिए 5 साल सारे उल्टे सीधे काम, मोदी जी के अच्छे काम कब गिनाओगे हमारे को? तो ये सीधी सी बात है। मेरे साथ थे आजाद हिंद आवाज़ के लिए और पौरुष के लिए, आप सब मेरे और पौरुष के साथ। तो दोस्तों, ये दोस्ती शुरू हुई है, इस दोस्ती को कितना पसंद किया आपने तो लाइक करके आपको बताना है। ये पहले वीडियो आज जलेगा पौरुष के चैनल पर और मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप इसको 2 या 3 दिन बाद जब मैं घर पहुंचूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम, ओके। कैसा बना?